हे दोस्तों, youhelpsr.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं शिवराज चौधरी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे असिस्टेंस लोको पायलट भर्ती वर्ष 2018 में जिन जिन कैंडिडेट्स का CB2 जो था वो क्लियर हो चुका है और उनका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो है कॉल आया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में उनका नाम है, तो वो सभी अपना एग्जाम सेंटर चेक कर सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड भी आप चेक कर सकते हैं। इसी से संबंधित एक जरूरी नोटिफिकेशन जो है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। क्या है ये जरूरी नोटिफिकेशन? LP असिस्टेंस लोको पायलट भर्ती से संबंधित सभी कुछ डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि देश में निकलने वाली सभी सरकारी नौकरी की जानकारी आपको मिलती रहे फ्री में सबसे पहले। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 अप्रैल 2019 को एक बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है जहाँ पर कहा गया है, क्लिक हेयर टू व्यू एग्जाम सिटी ट्रेवल पास फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड स्कोर कार्ड। तो ALP परीक्षा में जिन जिन कैंडिडेट्स ने CB2 कंप्यूटर बेस सेकेंड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है और उनका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो उन सबको जो है एप्टीट्यूड टेस्ट किस एग्जाम सिटी में होना है, साथ ही साथ उनका ट्रेवल पास और अपना स्कोर कार्ड, ये सब जो है आप सभी लोग चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कल 6 बजे तक इसका लिंक आना था लेकिन अभी तक इसका लिंक नहीं आया है और एक और जरूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस पर दिया गया है, द लिंक विल बी अवेलेबल बिटवीन 9 अप्रैल 2018 6 बजे को यहाँ पर टाइम दिया गया था लेकिन 10 तारीख हो चुकी है और अभी तक इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। तो इस लिंक पर क्लिक करके हम देख लेते हैं कि इस पर क्या मैसेज दिया जा रहा है। इस पर जरूरी मैसेज दिया जा रहा है, ड्यू टू टेक्निकल रीजन द सिटी इंटीमेशन एडवाइस फॉर RRB ALP Stage 3 एग्जाम हैज बीन डिलेज, प्लीज विजिट फॉर एन अपडेट आफ्टर 4 PM ऑन 10th of April 2019। जो आपका इस पर एग्ज़ाम सेंटर चेक करने का जो लिंक था वो टेक्निकल रीजंस की वजह से यहाँ पर डिले कर दिया गया है और आज यानी कि 10 अप्रैल को शाम 4 बजे के बाद या तो इसकी लिंक आ जाएगी या इससे संबंधित एक जरूरी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो शाम 4 बजे के बाद हम एक और वीडियो बना देंगे और शाम 4 बजे के बाद आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करके देख लीजिएगा कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक करने के लिए लिंक एक्टिवेट हुई है कि नहीं है, स्कोर कार्ड आप डाउनलोड किए हैं या नहीं है। तो सारा कुछ जो है 4 बजे के बाद यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और एक और बात बता दूँ कि जैसे 9 तारीख को शाम 6 बजे तक लिंक एक्टिवेट होना था लेकिन उससे पहले कुछ समय पहले तक ये सभी के लिए लॉगिन हो रहा था और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना नंबर वगैरह चेक कर लिए होंगे, स्कोर कार्ड, एग्जाम सिटी सेंटर सब चेक कर लिए होंगे। लेकिन जैसे ही रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक जरूरी नोटिस आया उसके बाद से उन्होंने उस लिंक को हटा दिया और डेट एक्सपायर करके जो है आपको मैसेज आया होगा और उसके बाद एक नोटिस आया कि आपको जो है 9 तारीख को शाम 6 बजे से जो है इसका लिंक आएगा और अब यहाँ पर कहा गया है कि 4 बजे के बाद आज यानी कि 10 अप्रैल को शाम 4 बजे के बाद इससे संबंधित जरूरी नोटिस आएगा कि आप कब से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी, स्कोर कार्ड। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कुछ पूछना हो तो कमेंट में जाकर के आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और नई जानकारी के